साथियों जय किसान, मैं आपका रवि आजाद। साथियों पिछले 21 दिन से खेड़ी चोपटा की उपतहसील कार्यालय पर किसान ताड़ा लगा करके दिन रात अनिश्चितकालीन धरने पर हजारों की संख्या में बैठे हैं खराब फसलों के मुआवजे के लिए। लेकिन हरियाणा की ये तानाशाही सरकार और जो किसान विरोधी सरकार है, ये किसानों को उनकी बर्बाद फसलों का मुआवजा तक देने को तैयार नहीं है। और जैसी चेतावनी थी किसानों की कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की नारनौंद रैली को किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा, किसानों की ताकत के सामने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को दुम दबा करके भागना पड़ा और अपनी रैली को रद्द करना पड़ा। दुष्यंत चौटाला रैली करने के लिए नहीं आया, लेकिन किसान उसी जगह पर नारनौंद की अनाज मंडी में हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें युवा साथी किसान और बुजुर्ग पहुंचे और उन्होंने रैली की जगह रैला करके दिखाया और मंडी से विशाल प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन दिया। हजारों की संख्या में फोर्स लगी हुई थी, बैरिकेटिंग कर दिया एसडीएम कार्यालय के सामने, लेकिन किसानों की स्पष्ट चेतावनी थी कि ज्ञापन एसडीएम कार्यालय के अंदर ही देंगे। बहुत शांति के साथ, अनुशासन के साथ सभी किसान भाइयों ने, युवा साथियों ने, माताओं बहनों ने अपनी ताकत का एहसास कराया और सभी का हम धन्यवाद भी प्रकट करते हैं। और आज के प्रदर्शन में हरियाणा की खट्टर सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि केवल खेड़ी चोपटा की सब तहसील के नहीं, अगर किसानों की मांग नहीं सुनी गई और तत्काल प्रभाव से उनके खाते में खराब फसलों का मुआवजा नहीं डाला गया तो एसडीएम कार्यालय को भी ताला लगाएंगे। मैं सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं और खट्टर सरकार को हम स्पष्ट रूप से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वो किसानों की मांग को सुन लें, अन्यथा जैसे फैसले किसान आंदोलन में लिए गए थे वैसे ही फैसले इस धरने के लिए सरकार के खिलाफ लिए जाएंगे। आप सबका धन्यवाद। सबको जय जवान जय किसान। Thank you.
किसानों से टकराएगा, कौन किसानों से टकराएगा। सरकार दुर्गा पर हमारे भाईचारा दुर्गा पर